जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन टिक्का मसाला लगाने का तरीका बताऊंगी। बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने चिकन लेग्स लेकर इनको अच्छी तरह वॉश करके ड्राई करके अब मैंने अपनी बारबेक्यू ट्रे में इनको लगा रही हूँ। ये तकरीबन 16 और 17 लेग्स हैं। अब मैं इनमें दो किस्म के मसाला यूज़ करूँगी, एक चिकन टिक्का और दूसरा तंदूरी मसाला। तो इस टाइम मैं ऊपर चिकन टिक्के का पैकेट डाल रही हूँ, तकरीबन हाफ पैकेट मैंने डाला है चिकन टिक्के का और हाफ ही पैकेट मैंने डाला है तंदूरी का। तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो, और अगर आपको माइल्ड पसंद है तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो मसाला डालने के बाद अब मैं इनको अच्छी तरह इस मसाले को मिक्स कर रही हूँ ताकि प्रॉपर चिकन के अंदर चला जाए। आपने चिकन लेग्स को अच्छी तरह मसाज करना है ताकि प्रॉपर मसाला अंदर तक चला जाए। तो अब उसके बाद मैं अपने हाथ में ऑयल लेकर इन लेग्स के ऊपर डाल रही हूँ। इससे बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनती हैं ऑयल डालने से। तो ये मेरा जो बारबेक्यू का ट्रे है इसमें तकरीबन अच्छी तरह मसाला लग चुका है, और ये मैं 1 आवर के लिए इनको मसाला लगा के छोड़ दूँगी इस ट्रे को, जितनी देर मैं अपनी ग्रिल को हीट अप करूँगी। तो अब मेरी तकरीबन बारबेक्यू की ग्रिल भी हीट अप हो चुकी है, तो मैंने ट्रे इसके अंदर रख दिया है और तकरीबन ये इस ट्रे के अंदर 1 आवर तक ये चिकन लेग्स बनेगी। और साथ साथ मैं इन्हें चेक करती रही हूँ कि ये जल ना जाए, और जब ये मेरी हाफ से ऊपर थोड़ी कुक होगी तो तब मैंने अपनी ग्रिल के ऊपर इन चिकन लेग्स को डाला है। ये साथ मैंने थाई चिकन सीखें भी लगा रही हूँ, इनकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो अभी मेरी बहुत अच्छी बहुत मज़े की चिकन लेग्स रेडी हो रही हैं, और साथ साथ जब ये कुक होती हैं तो इनके ऊपर ब्रश के साथ थोड़ी थोड़ी कोटिंग मैंने ऑयल की भी की थी, और देखें कितना अच्छा कलर इनके ऊपर आया, और ये प्रॉपर अंदर से पक चुकी है। और देखें ऑलमोस्ट ऑल डन हो चुकी है मेरी, और साथ ही मैंने नान रखे हैं, और अब सर्विंग करने का टाइम आ गया है।